हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केसबुक टू कॉलम केसबुक का केस विद डिस्काउंट का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो किस प्रकार से टू कॉलम केसबुक जो है वो की जाती है, उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बड़े डिटेल में बताया कि व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग टू कॉलम केसबुक, और टू कॉलम केसबुक के टाइप्स आपको बताए थे। मैंने आपको बताया था कि टू कॉलम केसबुक जो थ्री प्रकार की होती है। नंबर 1 जो है वो केस विद डिस्काउंट, नंबर 2 केस विद बैंक विद डिस्काउंट, या थर्ड वन इज केस विद बैंक। तो इस प्रकार से जो है वो टू कॉलम केस बुक जो है वो बनाई जाती है। तो टू कॉलम केस बुक में आप ध्यान रखें कि अगर टू कॉलम केस बुक जो आज हम करेंगे वो केस विद डिस्काउंट की करेंगे, तो डिस्काउंट का कॉलम जो है केस के पहले होता है, वो आपको पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था। तो किस प्रकार से करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि प्रिपेयर टू कॉलम केसबुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अप्रैल 2010 आपके पास फर्स्ट अप्रैल को जो आपको इस केस का बैलेंस दिया है 8000, 4 अप्रैल को आपने केस परचेज किया 2000 का, केशियर आपके पास 5000 दी है, केशियर सी फ्रॉम राकेश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹200, तो 8800 के आपने जो है वो केस रिसीव किया। आपने रिसीव करना था 9000 का, जिसमें आपने 200 का डिस्काउंट अलाउ किया, जिससे आपको बिजनेस का लॉस हुआ। केश पे रामलाल 5600, के वेज पे 200, रेंट रिसीव 700 एंड पे सैलरी ₹120। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका सबसे पहले जब भी आप टू कॉलम केस बुक बनाएंगे, मैंने आपको बताया क्लियर सी बात है कि जब भी आप टू कॉलम केस बुक बनाएंगे तो बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले लिखेंगे टू कॉलम केस बुक। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका डेट का है, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट अमाउंट इन रुपीज, फिर कैश अमाउंट इन रुपीज, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट का अमाउंट जो कैश से बिल्कुल पहले होता है, और कैश अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आपने ईयर लिखने का तरीका हो जाए, आपने सबसे पहले ईयर लिखना है, फिर आपने मंथ लिखना है। अप्रैल फर्स्ट को जो आपका ऑटो बैलेंस ब्रोट डाउन दिया है, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आपके पास ओपनिंग का बैलेंस दिया है, कैश बैलेंस दिया है, तो पहले ट्रांजेक्शन में 1 अप्रैल को है 8000। तो सबसे पहले आपने 8000 लिखना है, जो कैश का बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो आप सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 4 अप्रैल को आपने माल परचेज किया। जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं तो आप पेमेंट करते हैं, और पेमेंट हमेशा क्रेडिट होती है। और 2010 अप्रैल 4 को आपने बाय परचेज लिखा, और बाय परचेज अकाउंट में जितने का माल आपने परचेज किया, आपने माल परचेज किया 2000 का, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 8 अप्रैल को जो आपने माल सेल किया, तो आप लिखेंगे 2 सेल अकाउंट, और जितने का माल आपने सेल किया, आपने माल किया जी सेल 5000 का, तो आप लिखेंगे 2 सेल 5000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि अगर 8 अप्रैल की बात, अगर आपका अगले अगले इसकी बात करें, तो आपने 12 अप्रैल को जो है वो क्या किया, या आपने राकेश से रिसीव किया, आपने रिसीव करना था 9000, उसने दिया आपको 8800, इसका मतलब आपको 8800 रिसीव हुआ, जिसमें 200 आपने डिस्काउंट अलाउड किया। तो ये थे कि आपने राकेश से जो है रिसीव किया। उसके बाद आपने रामलाल को पेमेंट करी, और 5600 की आपने पेमेंट करी, 5600 की, तो जिसके आपने एंट्री करी कि रामलाल को आपने पेमेंट करी, तो बाय रामलाल अकाउंट। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास अगले ट्रांजेक्शन जो दी हुई है वो दी हुई है 30 20 की, कि आपने वेजिस पेड की, तो बाय वेजिस पेड, तो आपने 200 की वेजिस पेड करी। तो जब आपने वेजिस पेड करी तो आपने इसकी एंट्री करी बाय वेजिस पेड। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपको रेंट रिसीव हुआ, तो रेंट जब आपको रिसीव हुआ उसकी आपने डेट लिखी, वो आपको 700 रिसीव हुआ, तो आपने लिखा टू रेंट रिसीव 700। फिर आपने 30th को सैलरी पेड करी, तो एनी टाइप ऑफ पेमेंट जो है क्रेडिट कर जाती है बाय सैलरी पेड, बाय सैलरी अकाउंट, तो आपने इस एंट्री को क्रेडिट किया, और जितने की आपने सैलरी की पेमेंट करी 120 की। और उसके बाद आपके पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आपने टोटल किया। टोटल करने के बाद ध्यान रखें इस बात का कि आप सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड पर टोटल करेंगे। तो टोटल जब आपने किया, तो यहाँ पर जो आपका टोटल आया वो आया आपका डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ पर लिख दिया आपने डिस्काउंट अलाउड, और जो क्या होता है डेबिट होता है, आपने डिस्काउंट अलाउड डेबिट लिख दिया, और जितना डिस्काउंट का टोटल आया 200,
डिस्काउंट रिसीव साइड आप देखते हैं डिस्काउंट रिसीव टोटल के कॉलम में डिस्काउंट रिसीव और यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव हुआ टोटल आपके पास कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आपने डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको तो यहाँ पर आप मिलते हैं नील और उसके बाद आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड एंड दैट इज 22,500 और 22,500 यहाँ पर लिख देंगे 22,500 और 22,500 में से ये सारे खर्चे आप उठाएंगे और उठाने के बाद आप जब इन सारे खर्चों को उठाएंगे तो आपके पास आएगा 14,580 जो आपके पास आया वो बैलेंस आया। उसके बाद ये था कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 किया जाता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास दिया हुआ है वो ये दिया है कि सबसे पहले आपके पास कैश का बैलेंस दिया जी, फिर 2009 फर्स्ट को फिर आपने कैश परचेज किया, फिर आपने कैश सेल किया, फिर आपने कैश जो आपका रेंट है सॉरी कैश रिसीव फ्रॉम राकेश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, फिर उसके बाद कैश पे टू रामलाल, वेजेस पे रेंट रिसीव, सैलरी पे और उसके बाद रिसीव फ्रॉम मुकेश डिस्काउंट अलाउड किया उसको भी, और उसके बाद जो है उसने आपको डिस्काउंट लिखा डिस्काउंट अलाउड रिसीव फ्रॉम मुकेश एंड डिस्काउंट अलाउड किया हमने उसको, उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसके बाद पे टू मुकेश एंड डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको, उसके बाद भी आपने फर्नीचर परचेज किया, उसके बाद पे टू पलाम टू सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 400 और उसके बाद पेड सैलरी और रेंट रिसीव आपने पलाराम को पेमेंट करी 3,800 की आपने पेमेंट करी थी 4,000 की आपको 200 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, उसके बाद पेड सैलरी करी थी आपने, उसके बाद रिसीव आपने कमीशन करी 300 की। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे आपके सामने क्वेश्चन क्लियर है तो करते हैं इस क्वेश्चन। तो जिसमें सबसे पहले आपके पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है 2009 आप सभी जब जानते हैं कि जब भी टू कॉलम कैश बनाई जाएगी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, बिल्कुल सेंटर में टू कॉलम कैश बुक लिखा जाएगा, फिर पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट अमाउंट रुपीज, फिर कैश, इसी प्रकार से क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डिस्काउंट और कैश अमाउंट रुपीज, फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन लगा दी जाएगी। फिर जब आप लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाएंगे उसके बाद आप सभी जानते हैं कि लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाने के बाद आपके पास सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2010 और जितना बैलेंस दिया हुआ है आपके पास दिया 8,000 तो सबसे पहले आपने कैश का बैलेंस लिखा। फिर उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 2 अप्रैल को माल परचेज किया तो जब आपने माल परचेज किया तो आप एंट्री करेंगे बाय परचेज अकाउंट और कितने का किए 2,000 का। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 4 अप्रैल को माल सेल किया तो आपने 5,000 का टू सेल अकाउंट 4 अप्रैल और टू सेल अकाउंट और 5,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 8 अप्रैल को राकेश से रिसीव किया, आपने रिसीव करना था 9,000 परंतु जब आपको मिला वो मिला 8,800 और 200 जो है आपको डिस्काउंट जो है आपने अलाउड किया। उसके बाद आप सभी जानते हैं इसके बाद आपने पेड किया रामलाल को तो आपने एंट्री करी बाय रामलाल और आपने पेमेंट करी 5,600 की। उसके बाद आप सभी जानते हैं 15th को आपने बेसिस पेड करी तो आपने लिखी बाय बेसिस पेड और आपने 15th अप्रैल बाय बेसिस अकाउंट और जितनी की आपने पेमेंट करी 200 की, तो इस प्रकार से 200 की आपने एंट्री करी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 18th को रेंट रिसीव किया तो टू रेंट रिसीव और कितना जी 700 तो आपने लिख दिया 700 आपको रेंट रिसीव हुआ। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 20th को सैलरी पेड करी तो बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी को आपने अकाउंट किया तो आपने वो कितने की पेमेंट करी थी 120 रुपए की तो 120 इस प्रकार से आपने लिख दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 21st को जो है वो रिसीव किया किससे जी मुकेश से तो आपने एंट्री करी 50 रुपीज आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया और 8,000 आपने रिसीव किया तो इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री कर दी। उसके बाद टू सेल 22 को आपने सेल करा 22nd से को आपने मुकेश को पेमेंट किस को भी पेमेंट करी और 22nd को आपने सेल भी करी तो पहले आपने सेल करी टू सेल और बाय मुकेश से आपने रिसीव किया 5,000 और जबकि उसने आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ मतलब आपने पेमेंट करी मुकेश को 5,000 की उसने आपको 30 रुपए डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको। उसके बाद आपने 22nd को जो है फिर माल सेल किया 2,000 का उसके बाद आपने फर्नीचर परचेज किया 20
फिफ्थ को बाय फर्नीचर अकाउंट कितने का परचेज किया जी 2000 का, उसकी आपने एंट्री करी। और उसके बाद आपने 26 को, आप सभी जानते हैं, आपने पालाराम को पेमेंट करी, आपने पालाराम की पेमेंट करी थी 4000 की, आपने पालाराम की पेमेंट करी 3800 की। इसका मतलब है कि आपने पालाराम के 4000 देने थे तो 200 रुपए आपको डिस्काउंट रिसीव हुए। उसके बाद 30 अप्रैल को आपने सैलरी पेड करी और वह बाय सैलरी पेड सैलरी अकाउंट, और कितने की पेमेंट करी थी आपने 500 की, जो जितने की आपने पेमेंट करी वो पेमेंट लिखी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपको 30 अप्रैल को जो है कमीशन भी रिसीव हुई, तो आपने यहाँ लिखा टू कमीशन। उसके बाद आपने सबसे पहले रजिस्ट्रार को बताया कि डिस्काउंट अलाउड का टोटल करेंगे, तो आप डिस्काउंट अलाउड का टोटल करेंगे। डिस्काउंट अलाउड जो हमेशा डेबिट होता है, जो बिजनेस का लॉस होता है, या आपके पास 250 आया, फिर आप डिस्काउंट रिसीव का टोटल करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, जितना आपको रिसीव हुआ डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। और कितना रिसीव हुआ जी आपको 230, ध्यान रखेंगे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का टोटल जो आपने सामने बराबर नहीं आएगा, बल्कि ये अलग अलग आता है, बराबर भी आ सकता है परंतु ये अलग भी आ सकता है, तो जितना टोटल उतना ही टोटल किया जाता है। उसके बाद आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, दैट इज 32800। आपने सामने 32000 एंड 32800 लिखेंगे क्योंकि बोथ साइड का टोटल जो हमेशा बराबर आएगा। उसके बाद इनको जोड़ने के बाद आप इसको इसमें से घटाएंगे, और घटाने के बाद आपके पास बाय बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, जो 30 अप्रैल को अंतिम तिथि को लिखा जाएगा, और ये आएगा 30580। तो ये जो आपका इसका अंतिम बैलेंस है वो अगले का जो है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा, अर्थात 1 मई को जो आपके पास बैलेंस आएगा वो आएगा फेसबुक का 30580। तो इस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि आपने जो टू कॉलम केस बुक के जो फर्स्ट टाइप था जिसमें कैश विद डिस्काउंट की जो एंट्री की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है उसको आपने देखा। अगले वीडियो में आपको डिस्काउंट विद बैंक की एंट्रियां बताई जाएंगी और फिर कैश विद बैंक की एंट्रियां बताई जाएंगी। तो आप हर वीडियो को जो है बड़े ध्यान से देखें, और फिर फोर्थ टाइप की जो कैश बुक है और थ्री कॉलम कैश बुक और पीपीटी कैश बुक के बारे में भी कराया जाएगा। तो आप हर वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कैश बुक की जो है वो पूरी नॉलेज होगी। इस प्रकार से ये था ये आपका कि किस प्रकार से जो है वो टू कॉलम केस बुक बनाई जाती है, और टू कॉलम केस बुक में केस विद डिस्काउंट की एंट्री किस प्रकार से की जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक।